फ्रेंड्स, करेला स्वाद में भले ही कड़वा लगे, पर अगर आप इसके फ़ायदे जान लेंगे तो आप इसे खाएंगे भी और अपने घर में लगाएंगे भी। आप मेरी ये करेले की बेल देखिए, इसमें कितने सारे करेले लगे हैं। करेले का जूस डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह कफ, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, जिससे भूख भी खुलकर लगती है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। करेले के जूस से लिवर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और लिवर मजबूत होता है। करेले को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कि इस समय कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खून साफ करने में करेला अमृत के समान होता है। उल्टी, दस्त या हैजा होने पर करेले के रस में काला नमक मिलाकर पीने से बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा करेले का जूस मोटापा कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना इसे अपने घर में लगाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज टिप्स। आज हम बताएंगे कि करेले की बेल को अपने घर में सफलतापूर्वक कैसे लगाएं। वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ये हमने करेले के बीज अपने घर की छत पर ड्रम में लगाए थे। एक बड़े ड्रम को बीज से काटकर आधा कर लिया, उसी में बीज लगा दिए थे। आप 12 इंची या 16 इंची गमले में भी करेले की बेल लगा सकते हैं। इन्हें लगाते समय का वीडियो हमने शूट नहीं किया था, तो हम अलग से दिखा देते हैं कि हमने बीज कैसे लगाए थे। ये इस तरह के करेले के बीज होते हैं। हो सकता है जब आप मार्केट से बीज खरीदें तो वो पिंक कलर के दिखाई दें, क्योंकि उन पर दवाई लगी रहती है ताकि उसमें फंगस ना लगे। बीज लगाते समय हम इसका ये वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और ये वाला ऊपर। तो ये हम इस तरह से इन्हें मिट्टी में दबा देंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है, नहीं तो फिर इन्हें उगने में टाइम लगेगा। अब इन्हें मिट्टी से कवर कर देंगे। तो इसी तरह से हमने ड्रम में ये बीज लगाए थे। इसमें हमने 4-5 होल कर दिए हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये हमारे सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। मिट्टी की बात करें तो हमने इसमें 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 40% वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। छत पर बहुत ज़्यादा लोड ना आए, इसलिए हमने इसमें कोकोपीट मिलाई है। आप चाहें तो कोकोपीट की जगह बालू भी मिला सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही बलुअर हो तो फिर मिट्टी में कोकोपीट या बालू मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट से भी आप इसका सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। कुल मिलाकर मिट्टी ऐसी हो कि उसमें पानी ना रुके, और वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। हमने ये बीज जून में लगाए थे और अभी अगस्त चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारी बेल अच्छी घनी हो गई है और इसमें करेले भी आने लगे हैं। वैसे तो इसे आप साल भर कभी भी उगा सकते हैं, पर ठंड में फरवरी मार्च और इधर बरसात में जून जुलाई और अगस्त का समय इसे लगाने के लिए अच्छा रहता है। बरसात में इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बस उतना ही पानी दें कि मिट्टी नम बनी रहे। इसे सहारा देने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है और इसे जगह जगह सुतली से बांध दिया है, ताकि ये ऊपर चढ़ जाए। तो ये हमारे करेले बढ़ने लगे हैं। फ्रेंड्स, अपने खुद के लगाए पौधों में जब फल आने लगते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ये हमारे करेले तोड़ने लायक हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबी वैरायटी के करेले नहीं हैं। अगर हम अभी इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो ये पकने लगेंगे। ये देखिए कितने सुंदर करेले दिख रहे हैं। तो हम इन्हें तोड़ लेते हैं।
ये काफ़ी मजबूती से लगे हैं, तो लग रहा है कि कहीं बेल डैमेज ना हो जाए, तो हम इन्हें कैंची से काट लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये हमने ज़रूरत भर के करेले तोड़ लिए हैं। अभी कुछ करेले काफ़ी छोटे हैं तो उन्हें दो चार दिन के बाद तोड़ेंगे, तो आप भी इस तरह से करेले की बेल लगा सकते हैं। अगर कच्ची ज़मीन हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं, ज़मीन में तो और अच्छे से चलेंगे। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।